ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कणकण में स्वाद, कणकण में भारत। जम्मू कश्मीर में जब चुनावी बिगुल बज चुका है तो पूरे देश की निगाहें सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों पर टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी, ठीक उसी तरह विधानसभा में भी यही गेम सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और इस निर्दलीय गेम के सबसे बड़े खिलाड़ी थे इंजीनियर राशिद, जो एक दिन भी जेल से बाहर नहीं निकले, जिन्होंने एक दिन तो क्या, एक घंटे भी चुनाव प्रचार नहीं किया। वो इंजीनियर राशिद लोकसभा सांसद चुन लिए गए और सांसद बनकर अपनी सीट का नेतृत्व कर रहे हैं। वो बात अलग है कि ना तो उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है और ना ही उनके लिए वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो जेल में बंद है। लेकिन अब इंजीनियर राशिद को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में बड़ा बवाल मचा है। सुनवाई का दौर अब इंजीनियर राशिद की रिहाई को लेकर शुरू होने वाला है। दरअसल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जेल में बंद सांसद शेख रशीद की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA से जवाब मांग लिया है। NIA ने इंजीनियर राशिद को टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बारामूला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे। उन्होंने खुद उमर अब्दुल्ला को हरा कर बड़े पैमाने पर जीत दर्ज की थी। बता दें, इंजीनियर राशिद को 2017 के जम्मू कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और तभी से इंजीनियर राशिद जेल में बंद है। अब सवाल उनकी रिहाई को लेकर उठ रहा है, वो भी ऐसे वक्त पर जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इससे पहले इसी कोर्ट ने 5 जुलाई को राशिद को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए 2 घंटे की कस्टडी पेरोल दी थी और उसके बाद वो बहुत ही गुपचुप तरीके से संसद में सांसद पद के लिए शपथ लेने के लिए पहुंचे थे। बताते 2005 में इंजीनियर राशिद को श्रीनगर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आतंकवादियों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया और 3 महीने 17 दिन तक हिरासत में रखा। उन पर कई तरीके की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं और इसके लिए उनकी गिरफ्तारी भी हुई। और फिर अगस्त 2019 में राशिद को फिर से गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। अपनी कैद के दौरान उन्होंने जेल से 2024 के संसदीय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया और वो चुनाव जीत भी गए, शपथ भी ली, सांसद हैं, लेकिन जेल में बंद है, जिसे लेकर अब फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।